आइए नागपुर की सनसनीखेज एक्सक्लूसिव खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। नागपुर के नेहरू पुतला चौक के पास जेठानंद खंडवानी तेल कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर तेल के डिब्बों में मिलावट किया गया था, जिसकी भनक एफडीए को लगते ही कार्रवाई की गई है और लाखों रुपयों के मिलावटी तेल को भी जब्त किया गया। कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जिसके सुबह शाम उसी का जप लगा रहता है। हर किसी के जुबान पे एक ही नाम कोरोना वायरस, और यही कोरोना वायरस अलग अलग घटनाओं को जन्म देते हुए नजर आ रहा है। कोरोना वायरस की आड़ में अब तो तेल माफिया भी मिलावटखोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं इतवारी परिसर के अंतर्गत आने वाले नेहरू पुतला के समीप जेठानंद खंडवानी एक तेल की ऐसी कंपनी है जिस तेल कंपनी में आए दिन मिलावटखोरी बड़े पैमाने पे की जा रही है, जिसकी भनक एफडीए को लगते ही एफडीए के तमाम टीमों ने वहाँ पे दस्तक दे के कार्रवाई की। इसकी सूचना इनबीसीएन को मिलती, इनबीसीएन अपने दल बल और पूरे टीम के साथ, इनबीसीएन की टीम भी मौका वारदात घटना पे मौजूद दिखाई दी। आखिरकार बड़े बुजुर्ग लोग क्यों कहते हैं कि लालच बुरी चीज है, इसका मतलब साफ है। लोग पैसे कमाने के चक्कर में इस हद तक आ जाते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होते हुए नजर आ रही है। ऐसे मिलावटी तेल से लोगों को हार्ट अटैक आना, जॉन्डिक्स होना और तमाम ऐसे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली बातें होती है, मगर ऐसे व्यापारियों को क्या, वे तो आए दिन धड़ल्ले से कोरोना वायरस के नाम के साथ ही इस प्रकार के कामकाज कर रहे हैं और लोगों को मिलावटी तेल खाने पे मजबूर कर रहे हैं। मगर एफडीए ने यह कार्रवाई करते हुए ऐसे मिलावटी खोरों से बिना परवाना जो पैकिंग करते हैं और जो मिलावट खोर कर ऐसे दुकानदारों पे, यानी जेठानंद खंडवानी इस कंपनी के मालिक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 1,16,616 रुपए का पूरा टीन तेल का टीन डिब्बे इसे जब्त किए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। इस बारे में इनबीसीएन की टीम ने एफडीआई के जॉइंट कमिश्नर पवार से बात की, आइए देखते हैं। दर्शकों, हम आपको इनबीसीएन की टीम यहां पे पहुंची, एक्सक्लूसिव खबर ये बताना चाहती है कि जिस तरह से आज जो तेलों का जो कारोबार चल रहा है धड़ल्ले से चल रहा है, उसमें कोई रोकथाम नहीं, मगर आज दिन जिस प्रकार से मिलावटखोरी जो चल रही है, कम पैसे को मुनाफाखोरी को, कम पैसे कमाने के जुगाड़ में जिस प्रकार से जो मिलावट राम काम चल रहा है बड़े पैमाने पर, आप देख सकते कि ये वही डिब्बे है जहां पे अभी हाल ही में अभी एफडीआई के अधिकारियों ने तमाम यहां पे रेड मारी हुई। इस प्रकार की ये डिब्बे है, इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी 2012 में, उसके बाद में आज 2020 में कार्रवाई की गई। हम आपको बता सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जो तेल दिखाई दे रहा है, ये मिलावट खोरी का पूरा तेल है। यही इस तेल के लिए जैसे ही जांच है जो एजेंसी है उन्हें जैसा पता चला तो वहां पे उन लोगों ने रेड मारी है। इस समय में ये इस छापामार कार्रवाई की जो प्रमुख है पवार साहब आई, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बोलते कि आखिरकार क्यों कार्रवाई की गई, ऐसा क्या मिला? जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जेठानंद एंड कंपनी जो है मिर्ची गल्ले में इतवारी नागपुर में वहाँ मिलावट करके माल बेचा जा रहा है। जब हम यहाँ पे आए तो हमें ऐसा पता चला कि ये फर्म के ऊपर इसके पहले भी नवंबर में कार्रवाई हुई थी और वहाँ का कैंसिल हमने रद्द किया था, तो भी वही लाइसेंस के ऊपर वही एड्रेस के ऊपर ये आदमी ये पैकिंग कर रहा और मार्केट में माल बेच रहा है। जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक रियूज टीन करना मनाही है, तो भी ये आदमी रियूज टीन का इस्तेमाल कर रहा। और दूसरी बात ऐसी कि जो भी मार्केट में भाव से माल बेचा, इसे कई कम दामों में ये माल बेच रहा है। तो हमें यहाँ के पूरे मिलावट का शौच आने के बाद हमने यहाँ पे 65 टीन्स जो 15 किलो के है सोयाबीन के, उसकी मार्केट की कीमत है 1,17,000 रुपये, वो हमने जब्त की है। सर, इस प्रकार की कार्रवाई जो की जा रही है, और भी कोई दुकानदार इसमें सम्मिलित होने की शंका है? हाँ, श्योर, हम इसके पूरा मालामाल मार्केट से कर रहे हैं और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिलने के बाद ही हम इसके ऊपर कार्रवाई, जो भी ऐसी मिलावट करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। क्या है ये ट्रेडर्स का नाम? ये है जेठानंद एंड कंपनी है, जेठानंद तोलाराम खंडवानी इसका ये नाम है। तो देख रहे हो कि आए दिन जिस प्रकार से ये कार्रवाई जो की जा रही है, मैं फिर से एक बार सर से ये बताना चाहूँगा, सर लोगों के स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ दिखाई दे रही है। श्योर, ये जो है ये स्वास्थ्य के लिए ये खिलवाड़ी है और कम दामों में मुनाफा कमाना ये इनका मेन मकसद है। आप जिस यहाँ से आए हो, आपका पूरा ये बताइए। मैं सीबी पवार, जॉइंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर।
तो आप देख सकते हैं कि लाखों के ऊपर का माल में जिस तरह से ये मिलाटखोरी चल रही थी, इसके ऊपर में जैसे भनक चलते ही यहाँ पे पवार साहब और पूरी टीम ने यहाँ पे कार्रवाई की है और इस छापामारी कार्रवाई में ये हजारों लाखों रुपए की टीम यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि सोयाबीन लगाए हुए लेकिन ये पूरे डुप्लीकेशन है और जिस प्रकार से मिलाटखोरी है ये कहीं ना कहीं शहर के नागरिकों का स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है और इसकी रोकथाम होना बेहद जरूरी है और इसकी रोकथाम करने के लिए आज FDI के द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की गई वो उसका सभी तबके में उसका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की मिलाटखोरी करने वालों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें भी सलाखों के पीछे में डाला जाए, इस प्रकार की मांग भी शहर के नागरिक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।